स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है थिंग ऑफ ब्यूटी, अब ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और आज हमको इससे क्या सीखने को मिलेगा? जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश का कोई भी यूनिट अपने साथ कुछ मॉरल वैल्यूज लेके चला करता है। द कोर पर्पस ऑफ कीपिंग इंग्लिश इन योर सिलेबस इज टू इनकलकेट सम मॉरल वैल्यूज अपॉन यू। आप सब में इंसानियत, अच्छी चीजें, अच्छी वर्चूज इनकलकेट करना ही इंग्लिश लैंग्वेज को आपके सिलेबस में रखने का पर्पस है। नाउ, ये जो पोयम है, एक यंग पोएट की लिखी हुई कविता है। 25 साल की उम्र में उस बेचारे पोएट की डेथ हो गई। ही डाइड वेरी यंग, लेकिन उन 25 साल की उम्र, कहते हैं ना बेटा, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। 25 साल की उम्र में इंसान की डेथ हो जाए, फिर भी वो गजब की कविताएं लिख के जाए, गजब का लिटरेचर लिख के जाए। ऐसे थे जॉन कीट्स, बेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ रोम, इंग्लिश लिटरेचर के महानतम पोएट्स में इनका नाम शुमार होता है। और इनकी जो कविता है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी एक बहुत बड़ी पोएम एंडीमियम का हिस्सा है। आइए सुनते हैं सबसे पहले पोएट के बारे में, फिर आपके लिए मैं पोम रीड करूंगा, उसके बाद उसकी समरी होगी, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। ओके, सो एक नए अंदाज में आपको करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1795 एंड डाइड इन रोम इन 1821 एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू इलनेस। सिर्फ 25 साल की उम्र में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। He is a romantic poet and his poetry is characterized by sensual imaginary in his most popular work, which is Series of Odes, a lyrical poem which is meant for a particular subject. Today his poems are one of the most sought after creations in English literature. सबसे ज्यादा अगर किसी को इंस्पायर करती हो तो इंग्लिश लिटरेचर में उसकी पोएम्स इंस्पायर करती है। The above given poetry is an excerpt, short part, एक छोटा सा हिस्सा, excerpt from his poem Endymion. Endymion, a poetic romance written in 1818, sir, 1818 में लिखी थी। उसको खुद आप सोच सकते हैं, खुद लड़का कितनी कम उम्र का रहा होगा, 22 साल का। Considered to be an epic poem based on Greek mythology about a shepherd named Endymion, his quest for his love Diana, and how in his quest he falls in love with an elderly maiden who later turns out to be Diana herself. अब ये थोड़ा समझने जैसी कहानी है। Diana कौन थी? She was the princess of heaven. स्वर्ग की राजकुमारी हुआ करती थी Diana. ग्रीक माइथोलॉजी में ग्रीक गॉड अपोलो, ग्रीक गॉड अपोलो की बेटी बताई गई है डायना। आई रिपीट, ग्रीक गॉड अपोलो की बेटी बताई गई है डायना। तो ये उसके प्यार में पड़ जाता है और फिर उसको इमेजिन करते हुए धरती पर एक लड़की से इसे प्यार हो जाता है। लेटर ऑन रिवील होता है कि वो स्वर्ग की राजकुमारी इसके लिए ही धरती पर आई थी। इट वॉज दैट प्रिंसेस, दैट गॉडेस that had turned herself into a maiden, maid. Okay, चलो हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है पोएम? A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep above quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. आइए सबसे पहले आपको मैं पहली स्टांजा समझाऊं। खूबसूरती क्या है? कभी न खत्म होने वाली खुशी, अ जॉय दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉरएवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अबोव अ क्वाइट फॉरेस्ट। गोवर मतलब घना पेड़, छाया वाला पेड़। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट, जहां पे आप सुकून से घने पेड़ की छाया जैसी, जिसकी छाया में ठंडी पवन में आप बैठ सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन
ब्यूटी एंड फेयरनेस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉस्मेटिक्स कैन मेक यू फेयर बट दे कांट मेक यू ब्यूटिफुल। व्हाई? बिकॉज ब्यूटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी सीन बाय एवरीवन। इंग्लिश में कहावत है बेटा, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है बेटा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कोई बच्चा अगर डार्क स्किन है तो वो शायद दुनिया के लिए खूबसूरत ना हो, लेकिन अपने माता पिता के लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है बेटा। अपने माता पिता के लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। इसीलिए कह रहा हूं, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। अब हम अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पापा डार्क स्किन्ड है या गुड लुकिंग नहीं है तो दुनिया उनके लिए कह सकती है कि यार ये अगली दिखता है, लेकिन कोई हमारे सामने हमारे पापा को या हमारी मम्मी को अगली बोले तो हम सुन पाएंगे नहीं, हम लड़ने आ जाएंगे उससे। Why? Because in our eyes, his inner beauty is more important than his outer appearance. अब एक छोटा example आपको देता हूँ। Take me for example. I have very average looks. I don't look that attractive. But that doesn't matter to you. Because for everyone that is connected to me, the most important thing is What kind of a person am I? मैं किस तरह का व्यक्तित्व रखता हूं वो मेरी बाहर की खूबसूरती से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाबी में एक फ्रेज सुना था मैंने, वो आपको सुना रहा हूं। क्या सवारना इस रूप में, इसने तो मिट्टी में मिल जाए। क्या सवारना इस रूप नो, इसने तो मिट्टी में मिल जाना है। सवारना है तो सवारो अपनी रूह नो, इसने रब दे कर जाना। ये जो शरीर है ये तो मिट्टी हो जाएगा, इसको सवार के क्या फायदा। सवारी अपना कैरेक्टर, सवारी अपना नेचर। अंदर से इतने खूबसूरत बनिए कि बाहर की खूबसूरती को तुमको जरूरत ही ना पड़े। ये दुनिया बहुत अजीब जगह है बेटा। कड़वे बोल बोलने वाले की शहद नहीं बिकती और मीठी बातें करके कोई मिर्च बेच के चला जाता। शब्द ही वो चीज है बेटा जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। मेरी बातें याद रखिएगा बेटा, शब्द ही वो चीज है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। Therefore, on every tomorrow, are we wrapping a flowery band to bind us to the earth? कहते हैं, इसीलिए देखा करो, क्या हर रोज हम अपने आप को एक फूलों के बंधन में बांध रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत वर्ड यूज किए हैं पोएट, फूलों का बंधन। ये क्या है? बाहर से फूल दिखते हैं, हकीकत में ये एक ट्रैप है। रैथिंग शब्द का मतलब समझिएगा, जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए राउंड शेप एक तरह से ट्रैप रखा जाता है, हाइडिंग ट्रैप, पत्तों के नीचे छुपाकर। जैसे ही जानवर उसमें हाथ या पांव रखेगा पिंजरा बंद हो जाएगा, वो उसमें बैंड हो जाएगा और फंस जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति बांध रखा। हम जितना जितना दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं उतनी ज्यादा निराशा हो रही है बेटा। गांधी जी कह गए, दिस वर्ल्ड इज लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट इट इज टू स्मॉल टू सेटिस्फाई इवन वन मैन्स ग्रीड। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के बजाय हम मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में फंस रहे हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस,
निराशा। हम सबकी जिंदगी निराशा से भरी हुई है बेटा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द कॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कहते हैं कि हमारे लिए ये कुदरत का नियम है बेटा, बहुत गजब की चीज है, ये बहुत गजब की चीज है बेटा। सुनिएगा ध्यान से, जितनी भी खराब चीजें हैं ना वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं हम उनसे दूर भागते हैं। सात्विक भोजन हमें पसंद नहीं है, हम क्या खाते हैं? मंचूरियन, मोमोज, जंक फूड। आप सोचिए, जिसके नाम में ही जंक है, जंक मतलब भंगार, क्रैक, हम उसको नाम क्या देते हैं? जंक फूड, और खाते हैं। क्रैक कभी खाया जाता है? खाया जाना चाहिए। भंगार कभी खाना जाना चाहिए? मैं आपको कल का एग्जाम्पल देता हूं। यस्टरडे इवनिंग माय नेफ्यूज बर्थडे वाज देयर, यू मे हैव सीन द स्टेटस दैट आई पुट अप इन माय फोन, हैप्पी बर्थडे माय चाइल्ड। मेरे भतीजे का बर्थडे था, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैड फूड फ्रॉम आउटसाइड, एंड सी हाउ वंडरफुल इट वॉज, इट वॉज रियली टेस्टी, माउथ वॉटरिंग मीन्स, बट द एंड रिजल्ट आई हैड फूड पॉइजनिंग टूडे मॉर्निंग एंड हैड टू टेक मेडिसिन। अगर किसी वस्तु की क्वालिटी सिर्फ हमारी जीभ तक जीवित रहती है और उसके नीचे वो कचरा है, तो वो क्या वस्तु है? वो तो कचरा ही है ना। भोजन तो वो होना चाहिए, खाना तो वो होना चाहिए जो हमें स्वास्थ्य दे। तो सिर्फ ये खाने पे नहीं है, हमने अपनी जिंदगी को किस चीजों में भर रखा है? एक दूसरे के प्रति नफरत, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ नोबल नेचर्स। हमारे दिन जो है वो ग्लूमी है, दुख से भरे हुए हैं। हमारा जीवन जीने का तरीका ओवर डार्कन्ड वेज, अनहेल्दी लाइफ जीते हम लोग। आप सोचिए हम कितने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं बेटा। रात को 12 बजे 2 बजे तक जागते, सुबह 9 बजे तक सोते रहते, न खाना खाने का समय फिक्स है, न पानी पीने का समय फिक्स है। हमसे तो बेहतर जिंदगी जानवर जी रहे हैं बेटा, हम क्या जिंदगी जी रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो प्रकृति आपके सामने किसी न किसी रूप में खूबसूरती रख रही है। कैसे रख रही है खूबसूरती, आइए बताता हूं। क्या खूबसूरती रखती है आपके पास? सच द सन, द मून, देखो सूर्य को, देखो चांद को, पेड़ों को देखो, उनके तरफ से उगती हुई छोटी छोटी टहनियों को देखो। अरे एक साधारण भेड़ बकरी चराने वाले को देखो, डेफोडिल के फूलों को देखो, चारों तरफ फैली हुई ग्रीनरी को देखो, बहती हुई नदियों को देखो, किस तरह से वो गर्म मौसम में आपको ठंडा पानी पहुंचाती है, घने जंगल को देखो। हमारे आसपास बेटा ब्यूटी की कोई कमी ही नहीं है, हमारे आसपास ब्यूटी की कोई कमी ही नहीं है। हेलन केलर ने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी 3 Days to See, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे जीवन में 3 दिन के लिए आंखें मिल जाए तो मैं क्या क्या देखना चाहती हूं। उन्होंने बताया था कि अगर तुम किसी फॉरेस्ट से गुजरते हो और तुम थोड़ी देर के बाद कहते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा, तो तुमसे ज्यादा नेत्रहीन तो कोई है ही नहीं। तुम उठो सुबह 5 बजे, चढ़ जाओ टेरिस पे या चले जाओ अपने अपार्टमेंट की बालकनी में, देखो क्या खूबसूरती है सूरज की, पूरे आसमान को केसरी बना देता है, देखो पूर्णिमा के चांद को, देखो एक पेड़ को जिसकी छाया में नई नई टहनियां उग रही हैं, एक भेड़ बकरी चराने वाले को देखो, एक फूल को देखो जिसमें कितनी खूबसूरती है, हमारे आसपास कितनी सारी लाइफ है, बहती हुई नदियां हैं, झरने हैं, हमारे लिए उन्होंने हर कुछ रखा है बेटा। मैं 2 वर्ड्स की यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं, यहाँ पे मोरो रिफर्स टू टुमारो
एंड गेंस्ट रिफर्स टू अगेंस्ट। पोएट्री में पोएट्स अपना फ्रीडम लेते हैं राइमिंग क्रिएट करने के लिए, ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, किसी को टेंशन नहीं करना। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. Dooms matlab dead. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. Sun lijiyega dhyan se, main thoda pehle bol do, pehle sun lijiyega. हर धार्मिक ग्रंथ में इसके बारे में बात होती है, इमॉर्टल ड्रिंक। हम हिंदू धर्म में भी पढ़ते हैं अमृत, अमृत बोलते हैं इसको, इसको पी लिया जाए तो कोई मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी। इस्लाम में इसके लिए शब्द है आबे जमजम, आबे जमजम यानी एक ऐसा पानी जिसको पियो तो मृत्यु ना हो। अरे ऐसी चीज की जरूरत ही क्या है, ऊपर वाले ने सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दिया है, उसकी धूप छां, चांद की चांदनी, खुला आसमान, बहती हवाएं, नदियों का पानी, ये सब कुछ उसने इमॉर्टल ड्रिंक के तौर पे हमारे ऊपर उड़ेल दिया। पौरी मतलब उड़ेल दिया। स्वर्ग से अगर हमें कुछ मिला है तो ये पूरा नेचर मिला है। खिलते हुए फूलों को देखो, कितना खूबसूरत बनाया उसने दुनिया। ओके, अब आइए आपको इसकी समरी समझाते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोम टेकन फ्रॉम द पोम टाइटल्ड एंडीनियन, अ पोएटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। द पोएट सेज, आपके जितने भी सवाल होंगे ना बेटा पोएट्री को लेकर, वो इस समरी में क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है भी तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इसके अंदर क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा बस। Written by a famous poet John Keats, the poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. It has eternal beauty which never fades away. A beautiful thing is like a shady shelter which gives us sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. ये पहली पैरा। अब दूसरी पैरा। Our attachment to the earthly things are like a flowery rat trap. They are traps which bind us to the materialistic things and keep us away from eternal happiness. The earth is full of hatred, greed, and negativity. According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful things that surround us. ये थी आपकी दूसरी पैरा। अब आते हैं तीसरी पैरा। The poet lists out some of the beautiful things that surround us. As the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. He says that the numerous creations of God, like the sun, which gives us energy, the moon's beauty, the trees, which give us shade, are the natural beauties around us. The various animals, like sheep, that surround us, are our world. Sorry, make our world lively. The pretty flowers, like daffodils, make the world green and lively. The flowing streams of water, cool and refresh us in the hot sun. The forests, which are full of pretty musk rose flowers, are a beautiful sight unto the eye. All these are things of beauty. Also, the stories of the brave soldiers who led their lives to protect their people are beautiful and inspiring. These beautiful things are like a fountain of immortality, bestowed, matlab gifted, bestowed upon us by God. They inspire us to live on and maintain our faith and purpose. अब आपको अगर पोयम से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो ग्लॉसरी भी मैंने यहाँ रख दी है आपके लिए, आप देख सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर आपको इसमें से प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्लॉसरी में चेक कर सकते हैं। I'm giving you 3 minutes time beta to go through the glossary. In spite of it, if you have any doubts, you can post it in the chat section. If you don't have any doubt, you can raise your hand. I'm giving you a time of 3 minutes today.
Students, you can put your doubts in the chat section. If you don't have any doubts, then we will discuss the question answers. Actually, it seems nobody is having any doubt. Let's discuss question answers. अरे इसमें तो है नहीं, कहाँ गए? दूसरे पीडीएफ में, give me a minute. कहाँ गया? फुल बुक. जस्ट अमेंड ना मैडम. चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. ये स्पाइरल ऑलरेडी आप लोगों के पास तो है ही बेटा. चलिए, नाउ व्हाट प्लेजर्स डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? द आंसर इज द वर्ल्ड इज फिल्ड विद नेगेटिव एलिमेंट्स व्हिच मेक आवर लाइव्स लाइफ डल, सैड, डिप्रेसिंग एंड ब्रेफ्ट ऑफ होप. शॉर्टेज ऑफ होप, ब्रेफ्ट मतलब शॉर्टेज, डिप्राइव्ड. In such moments, a beautiful thing gives us everlasting joy and help us forget our sorrows. Yes, a beautiful thing is worth treasuring because even its memory soothes our nerves and inspires us to overcome the challenges of life. Life में जब बहुत बड़ी समस्याएं चलती हों, तो जीवन के खुशी के कुछ पल भी याद कर लो ना, तो एक relaxation मिलता है, एक उम्मीद मिलती है. तो कोई बात नहीं यार, आज वक्त मुश्किल है, फ्यूचर अच्छा होगा. सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम. तो इसमें कई सारी हैं, जैसे सन, मून, फ्लावर्स, लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, सिंपल शीप, ये सारी चीजें ब्यूटी एक्सप्लेन करती है. लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन. वो भी हमने मेंशन, डिस्पोंडेंस, डिप्रेशन, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज टू टेकन बाय ह्यूमंस टू अक्वायर द डिजायर्ड गोल्स. ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, what does the line therefore are we wrapping a flowery band to bind us to earth. The line suggests that things of beauty bind us to the earth with a beautiful connection. According to poet, even if the world is not worth living because of innumerable reasons of ultimately result in gloom and depression, the zeal to live a happy and content life can be derived from the sight of the beautiful bounties of nature around us. Duniya mein kitni bhi takleefein ho aap chaho to jeevan mein acha अच्छाई देख सकते. ओके, आगे बढ़ते हैं. जस्ट हम गलती से ऊपर चले, ये मैं मिले ना बेटा, हम थोड़ा आगे पीछे हो गए. कविशा, बाउंटी बेसिकली रिफर्स टू प्राइस. ओके, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू. ये हो गया, सॉरी, नेक्स्ट. हाँ, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम. दीस थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेल, दे गिव अस जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड and thus help in overcoming or bearing the troubles and sufferings. Duniya mein kitni bhi burai ho, lekin aap usme kuch na kuch achhai dekhi sakte. Tumhari zindagi ka har bura din kahin na kahin kuch na kuch achhai lekar aaya hoga beta. Ye hum pe nirbhar karta hai ki usse kaise deal karte. Why is the grandeur associated with the mighty dead? The grandeur of the mighty dead lies in the noble deeds
they have left behind. Beautiful legacy of their brave acts. Just a minute, madam. Beautiful legacy of their brave acts, their selfless. Just a minute, madam. Pani piyo. ओके तो उनकी जो जिंदगी के बारे में बताया जाता है हमें, उनकी बहादुरी के बारे में, ग्रैंडियर बेसिकली रिफर्स टू लार्जर देन लाइफ अपीयरेंस, ब्रेवरी. ओके, डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर. जितने भी वीर योद्धा रहे जिन्होंने धरती के लिए, दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी, उन सब की गाथाएं हमें इंस्पायर करें. Do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us? The poet believed that when we encounter a beautiful thing, even for a small moment, the pleasure remains with us forever. It leaves a lasting impression that inspires us to live life with hope and optimism. Last question. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? The poet uses the image of an endless fountain and immortal drink to describe the beautiful bounty of the earth. Kudrat ka sabse bada gift kya hai tum? The earth like a fountain pours unto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flowers, rivers, greenery. Aapke liye kudrat ne kitna kuch rakha hai. Aap us sab ko chhod kar baki sari cheezon ke piche bhag rahe ho. Galti aapki. Okay? बच्चा लोग, इसी के साथ आपकी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीट होती है. उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. कोई डाउट, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे ashok.success पे भी, ashok.success@gmail.com पे भी भेज सकते हैं. थैंक यू.